हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निशांत मैथमेटिक्स। और आज हम लोग नंबर सीरीज से कुछ क्वेश्चंस बनाने वाले हैं जो कि IUPSC की मेंस 2016 में पूछे जा सके हैं। और अभी मैं जो सीजन चला रहा हूँ उसमें केवल मैं मेंस में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं नंबर सीरीज के, वो सारे क्वेश्चंस एक एक करके करवा दूंगा। और आप लोग अगर इस चैनल पर पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपको वीडियो के अपडेट्स के बारे में जानकारी मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर और शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है 33, 39, 56, 85, 127, 185 एंड 254। नंबर्स जो हैं वो छोटे छोटे हैं और उनके बीच के गैप भी काफ़ी छोटे छोटे हैं, तो यहाँ 100% एडिशन के रूल ही फॉलो होंगे भले ही यहाँ पिरामिड सीरीज बने। तो यहाँ पे 100% एडिशन का रूल फॉलो होगा, हम हर एक टर्म के बीच का डिफरेंस पहले निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 6 आने वाला है, यहाँ पे 17 आने वाला है, यहाँ पे 29 होगा, 42, 58 और यहाँ पे होगा 9, 6, 69। अब इसका डबल डिफरेंस निकालेंगे, यहाँ पे 11 आने वाला है, इसका डिफरेंस आने वाला है 12 और इसका डिफरेंस आने वाला है 13। तो 11, 12, 13 मतलब जो डबल डिफरेंस जो निकालने के बाद हम लोग को जो संख्या मिला है उसमें प्लस एक ऐड हो रहा है और जो मेरा रूल है वो 3 टर्म तक वेरीफाइड हो चुका है, मतलब 11, 12, 13 3 टर्म तक वेरीफाइड हो चुका है। तो मेरा रूल ओवरऑल सीरीज के लिए भी वेरीफाइड होगा और इसका जो डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पे हमें 14 आना चाहिए, तो यहाँ पे हमें मिल रहा है 16, तो मतलब 185 यहाँ पे रॉन्ग टर्म है, यहाँ पे 14 ही आएगा, हम यहाँ पे 14 डालेंगे। यहाँ पे 14 आएगा और 42 में 14 ऐड होगा, तो यहाँ पे 58 ना होके 56 होगा और यहाँ पे 185 ना होके 127 में 56 को ऐड करेंगे तो ये 183 आने वाला है। तो हमारा 183 यहाँ पे रिक्वायर्ड आंसर होने वाला है और जो रॉन्ग टर्म है रॉन्ग टर्म इज इक्वल टू 185 और जो मेरा राइट टर्म है वो 183 है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है 7, 9, 21, 67, 275, 1371 और 8233। तो हमें जो लास्ट वाले टर्म्स है उसको देखने से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का रूल फॉलो किया जा रहा है, तो हम मल्टीप्लिकेशन के रूल से ही काम करेंगे, 100% यहाँ मल्टीप्लिकेशन के रूल ही फॉलो होंगे क्योंकि जब भी नंबर्स काफी तेजी से बढ़ते हैं तो वहां पे मल्टीप्लिकेशन के रूल फॉलो होते हैं। यहाँ पे 7 में हम 1 से गुना करके 2 जोड़ेंगे। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए खासकर जहां पे मल्टीप्लिकेशन का रूल फॉलो हो और वहां पे रॉन्ग नंबर सीरीज हो और रॉन्ग नंबर सीरीज, तो यहाँ पे क्या करना, कैसे बनाना जल्दी, तो इसके लिए हम दो तरफा सोचेंगे, यहां से भी सोचेंगे और यहां से भी सोचेंगे। 7 में 1 से गुना करके हम 2 जोड़े हैं तो 9 आया है और यहाँ पे हम 822, 823 तक आने के लिए हमें इसमें कितना से गुना करना होगा ये भी बात करेंगे, तो लगभग हमें 5 से गुना करना पड़ेगा, 7 से गुना करेंगे, नहीं 7 नहीं होगा, 6 होगा, 6, 4 82, 26 यहाँ पे क्या आ रहा है 82, 26 और इसमें हमें कितना ऐड करना होगा, हम इसमें 6 से मल्टीप्लाई किए हैं और 7 जोड़े हैं, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करके 2 जोड़े हैं,
तो इसी प्रकार अगर इसी रूल को हम फॉलो करें तो यहाँ पे हमें 2 से मल्टीप्लाई करके 3 ऐड करना पड़ रहा है, और ये मेरा सही भी है, 9 2 18 3 21। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करके 4 ऐड करेंगे और मेरा सही हो रहा है ये रूल। और यहाँ पे 67 में हम 4 से मल्टीप्लाई करके 5 ऐड करेंगे, तो क्या हमें 275 मिलने वाला है। इस पर हम चेक करें क्योंकि ये तो मेरा सही टर्म है, क्योंकि ये सही टर्म है, ये दोनों सही टर्म, तभी हमें ये रूल यहाँ मिला है। अगर इसमें से कोई गलत होता तो ये रूल हमें यहाँ पे प्राप्त नहीं होता। तो मेरा गलत जो टर्म है वो यही है, इसको हम फाइंड भी कर लेंगे क्योंकि ये रूल मेरा 3 टर्म तक वेरीफाइड है, यहीं पे हमें वेरीफाइड करना है। तो यहाँ पे गलत तो हम वैसे भी मार सकते हैं, लेकिन इसको मैं पूरा बना ही देता हूँ। 74 में 67 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 28 268 प्लस 5 3 273। तो यहाँ पे 273 ना होके 275 होगा, 275 ना होके यहाँ पे 273 राइट आंसर होने वाला है। तो रॉन्ग टर्म होगा, रॉन्ग टर्म वाला 275 और इसका सही फॉर्म होगा 273। बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 7 4 5 9 21 52.5 and 160.5। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन हो जिसमें याद रख ले 100% ये रूल यहाँ पे फॉलो होता है और ये 100% काम करता है, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा, चौथा, पांचवा, यहाँ पे कितना टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 है। मान लेते 6 टर्म वाला कोई सीरीज है, अगर पहला नंबर है और दूसरा नंबर पहले नंबर से घट जाए और ये जो दूसरा टर्म है ये सारे नंबर से छोटे हो, मतलब यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि जो दूसरा टर्म है वो पहला से छोटा है, पहला टर्म से छोटा हुआ दूसरा टर्म, फिर ये टर्म बढ़ते जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या रूल फॉलो होता है, 100% ये रूल काम करता है, इसको ध्यान रखें। 7/2 + 0.5, जो भी पहला टर्म होगा, मान लेते हैं पहला टर्म x होता है तो x में हम 2 से भाग देते हैं और इसमें 0.5 ऐड करते हैं, यही रूल हमेशा फॉलो होता है हर एक एग्जाम के क्वेश्चन में, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें हम 7 में 2 से भाग दे देंगे और यहाँ पे 1/2 ऐड करेंगे। कहने का मतलब यहाँ पे अगर इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे इस रूल को, तो ये होने वाला है 7 × 0.5 + 0.5, ऑब्वियसली ये 4 के बराबर है, और ये 4 से 5 से जाने के लिए हमें क्या करना होगा, 4 में 1 से गुना करके यहाँ पे 1 करना होगा, तो हमें 5 मिल जाएगा। यहाँ पे दो रूल हो सकते हैं, दो पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, ये 0.5 से 1 हुआ तो 1 के बाद 2 हो सकता है जो कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्म होगा, या फिर 0.5 के बाद 1 हुआ तो यहाँ पे 1.5 हो सकता है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का रूल होगा। तो पहले 1.5 लेके देखेंगे, तो ये होगा 7.5 + 1.5 = 9, तो ये मेरा रूल सही है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला फॉर्म यहाँ पे चलेगा और ये मेरा रूल 3 टर्म तक वेरीफाइड हो चुका है, मतलब मेरा ओवरऑल टर्म के लिए, ओवरऑल सीरीज के लिए मेरा ये रूल वेरीफाइड होगा और हम इसी के से आगे काम करेंगे। तो 9 में हम 2 से मल्टीप्लाई करके 2 ऐड करेंगे, तो 9 2 18 + 2 = 20 आता है, लेकिन यहाँ पे 21 है जो कि गलत है, यहाँ पे 20 ही होगा। अब इस 20 में हम 2.5 से मल्टीप्लाई करके 2.5 अगर जोड़े तो मेरा आने वाला है 50 + 2.5 = 52.5, जो कि मेरा अगला टर्म भी है, तो इसीलिए यहाँ पे रॉन्ग जो टर्म होगा वह 21 होगा और इसका राइट फॉर्म होगा 20। बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 13 27 45 117 317 383 981 और 2925। तो ऑब्जर्वेशन से हमें पता चलता है कि यहाँ पे थोड़ा बढ़ा है, थोड़ा बढ़ा है, लेकिन यहाँ पे एकदम से काफी तेजी से बढ़ा है। जब भी सीरीज इस फॉर्म में हो तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का रूल फॉलो होता है, हम संख्या में कुछ से मल्टीप्लाई कर देते हैं और कुछ ऐड करके काम करते हैं, ये दोनों वेरिएबल होता है, इसी इसी रूल को यहाँ पे फॉलो करेंगे
और मैं बता चुका हूँ पिछले वाले क्वेश्चन में कि जब भी कुछ मल्टीप्लाई करके कुछ ऐड करने पड़ते हैं और क्वेश्चन अगर रॉन्ग नंबर सीरीज का हो तो हम दो तरफा सोचेंगे, यहाँ से भी सोचेंगे और यहाँ से भी सोचेंगे, क्योंकि एक बार में कोई भी दो टर्म गलत नहीं हो सकता। जो टर्म गलत होगा वो अपने आप डिटेक्ट हो जाएगा। तो हमें 13 से 27 तक आना है। 13 में हम 2 से गुणा करके 26 + 1 ला सकते हैं, एक ये रूल हुआ। दूसरा, हम 13 में अगर हम 3 से गुणा कर दें तो इसमें से हमें 18 घटाने पड़ेंगे। तो ये 21 आएगा, ठीक है। हम इस दोनों पॉसिबिलिटीज को लेकर चलेंगे। अब हम यहाँ पे हम देखेंगे 981 से हमें 2925 बनाने के लिए क्या रूल फॉलो करने होंगे। तो 981 में लगभग हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 3 8 3 24, 9 3 27 28 29, 2943 है। इसमें से हम क्या घटाएं कि मेरा 2925 आए, तो यहाँ पे 18 आने वाला है। तो यहाँ पे जो रूल होने वाला है वो है (3 − 18). तो ये चूंकि एक रूल यहाँ पे भी है और ये एक रूल यहाँ पे भी है, तो हमें आंसर यही पता चलेगा कि मेरा आंसर यहाँ पे 21 होने वाला है और 27 मेरा गलत टर्म है यहाँ पे, क्योंकि एक ही रूल दो टर्म तक अगर चल रहे हैं, दो टर्म में वेरीफाइड है एक रूल, तो ये रूल सही है। इसको यहाँ भी चेक कर लेंगे क्या रूल सही है कि नहीं। तो 333 में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 9 9, और उसमें से हम 18 घटाएंगे, तो मेरा 981 एब्सोल्यूटली सॉरी ऑब्वियस आने वाला है 981। तो मेरा जो रूल है (3 − 18) ये पूरे सीरीज में चलेगा, और पूरा सीरीज में से हर एक टर्म में से 3 से गुना होकर 18 घटेगा, और इस रूल को फॉलो करने पर हमें यहाँ 27 की जगह यहाँ पर 21 मेरा राइट आंसर मिलने वाला है। अब बढ़ेंगे अगर, इसलिए यहाँ पे जो रॉन्ग टर्म है वो है, और रॉन्ग टर्म बराबर 27 यहाँ पे होना चाहिए, सही टर्म 21। अगला क्वेश्चन है 3 6 15 45 157 630 and 283। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन काफी इजी लग रहा है देखने से ही, ये इजी लेवल का क्वेश्चन है, इसमें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है IBPS QMS 2016 में, तो इसको इंट्रोड्यूस करना जरूरी है। क्वेश्चन का रूल इस यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, काफी इजी लेवल का क्वेश्चन है। यहाँ पे 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 45 में अगर 3.5 से मल्टीप्लाई करने पर 157 नहीं आएगा, क्योंकि 50 25 है और एक पॉइंट भी है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ पॉइंट वाला पार्ट आने वाला है, तो ये गलत टर्म है। हम 45 में 3.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 22, ठीक है, 6 of 90, ये आएगा 5.7। तो यहाँ पे जो एग्जैक्ट जो टर्म है 157.5 है, और जो रॉन्ग टर्म था वो 157 था जो रॉन्ग था, और 157.5 है जो राइट है। यहाँ पे 4 की बारी है, यहाँ पे हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है, और ये ऑब्वियसली 630 आना चाहिए। 157.5 हम 4 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या वो 630 के बराबर आता है। ये 0 आ गया, 630 0, 7 × 28 = 30, 5 × 20 = 23, 4 × 2 = 6, तो ये रॉन्ग टर्म है। और आज हम लोग टोटल 5 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, 1 2 3 4 5, जिसमें जो 5वां क्वेश्चन था वो इजी लेवल का था और बाकी सारे मॉडरेट लेवल के थे। अब जितने भी मेंस के बनेंगे नंबर सीरीज के क्वेश्चंस, उसको मैं एक एक करके सारे करवा दूंगा। तो वीडियो के अंत में आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बगल के बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि आपको वीडियो के अपडेट्स के बारे में जानकारी मिलती रहे। अगर वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो इसको लाइक कर दें, और कमेंट बॉक्स में डाउट को जरूर पूछें, और इस वीडियोज़ को अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर दें। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए नाइस।